गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम आने वाला है और आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही है कि भाई कूलर बनाओ कूलर बनाओ। तो आज हम आपको एक खाली टीन कनस्तर से बहुत ही कमाल का कूलर बनाकर दिखाने वाले हैं और ये कूलर मात्र 200 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने एक खाली टीन कनस्तर लिया है। ये आपको मार्केट में 10 या 20 रुपए का आसानी से मिल जाएगा और इसे हमने अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। और अब हमें क्या करना है कि इसके तीन साइड पर हमें जाली के लिए कटिंग करना है, तो फटाफट से हम इसकी ग्राइंडर की मदद से कटिंग कर लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने तीनों साइड की कटिंग कर ली है और इसे हमने नीचे से करीब 3 इंच छोड़ करके कटिंग की है ताकि हम इसमें पानी को भर सकें। और इसे हमने साइड साइड से 1.5 इंच छोड़ करके कटिंग की है और इसे हमने ऊपर साइड से भी कट कर लिया है। और अब इसकी जो किनारी है थोड़ी थोड़ी निकली हुई है, तो इसे हम हथौड़ी की मदद से कुछ इस टाइप से ठोक करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो इसे हमने चारों तरफ से अच्छे तरीके से मोड़ दिया है और अब इसकी जो ये किनारी है ये कटिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुकी है, तो इससे हमारे हाथों में लग सकता है। तो इसे हम सैंड पेपर की मदद से कुछ इस टाइप से घिस घिस कर अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे ताकि ये हमारे हाथों में ना लगे। तो इसे हमने सैंड पेपर की मदद से घिस करके अच्छे तरीके से स्मूथ कर लिया है। और अब गाइस, इसके आगे साइड पर हमें फैन के लिए गोल कटिंग करना है, तो इसमें हम इस प्रोपेलर को लगाने वाले हैं। तो इसे हम इसके बीचों बीच कुछ इस टाइप से रखेंगे और फिर इसके चारों तरफ की हम कुछ इस टाइप से मार्किंग लगा देंगे ताकि हमें कट करने में आसानी हो। तो हमने इसकी मार्किंग लगा ली है और अब इस मार्किंग के निशान से इसे एकदम गोल कट कर लेना है। तो भाइयों, मैंने इसे एकदम राउंड शेप में कट कर लिया है और इसे मैंने सैंड पेपर की मदद से अच्छे तरीके से स्मूथ कर लिया है। और अब गाइस, मैंने एक 775 डीसी मोटर ली है और एक 555 डीसी मोटर ली है। जो हमारी 775 डीसी मोटर है ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मोटर है और जो हमारी 555 डीसी मोटर है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड मोटर है, लेकिन ये 775 डीसी मोटर के मुकाबले इसमें थोड़ा कम स्पीड है। तो इस कूलर में हम इस मोटर का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि जो हमारी 775 डीसी मोटर है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसकी पावर हमारा कूलर सह नहीं पाएगा और ये कंपन करने लगेगा। और जो हमारी 775 डीसी मोटर है ये हमें 350 से 400 रुपये की मिलती है और जो हमारी 555 डीसी मोटर है ये हमें मात्र 50 से 60 रुपये की मिल जाती है, तो इसलिए हम इस मोटर का यूज़ करने वाले हैं। और अब गाइस, हमें इस प्रोपेलर को मोटर में फिक्स करना है, लेकिन आप देख सकते हो कि हमारी मोटर की शाफ्ट थोड़ी सी मोटी है तो ये इसमें फिक्स नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मोटर की शाफ्ट को हम हल्का सा हीट कर लेंगे और फिर इस प्रोपेलर को हम मोटर में फिक्स कर देंगे, जो कि एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो हमारी प्रोपेलर इसमें एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो चुकी है और अब गाइस, हमें क्या करना है कि इस मोटर को टीन के अंदर साइड से कुछ इस प्रकार से फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें इसके लिए एक फ्रेम बनाना होगा। तो इसके लिए हमने 1 इंची पाइप से करीब 4 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया है और इसके एक सिरे को हमने पैक करके इसके मिडल में एक होल कर दिया है। और अब इस पाइप को मोटर में फिक्स करना है, तो पहले हम इसकी प्रोपेलर को निकाल देंगे और फिर इस पाइप को हम मोटर में कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे, जो कि एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। और अब इसके चारों तरफ हम फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और अब गाइस, हमने पीबीसी शीट से एल की शेप के 4 पीस कट कर लिए हैं और इन चारों पीसेस को मोटर के चारों तरफ कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। तो फटाफट से हम सभी पीसेस को चिपका लेते हैं।
तो गाइस हमने चारों पीसेस को अच्छे तरीके से चिपका लिया है और इसके बाद हमने पीबीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस कट किया है। इसके मिडल में हमने एक प्रोपेलर की साइज का होल कर लिया है और इसके चारों कोनों पर हमने चार छोटे छोटे होल कर दिए हैं। और अब इस मोटर को हम इस पीबीसी शीट पर कुछ इस टाइप से रखेंगे और फिर इसके सभी कोनों में फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। तो भाइयों हमारी मोटर का फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है और अब इसकी जो प्रोपेलर है इसे हम मोटर की शाफ्ट में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे। और अब इसे क्या करना है कि अपने टीन के आगे साइड एकदम बीचों बीच कुछ इस तरीके से रखना है और इसके चारों कोनों पर जो चार होल हैं उनकी हम टीन पर कुछ इस टाइप से मार्किंग लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने चारों होल की इसमें मार्किंग लगा ली है और अब इस मार्किंग के निशान से इसमें हमें होल कर लेना है। तो हमने चारों होल को अच्छे तरीके से कर लिया है और अब इस फैन को हम क्या करेंगे कि इसके अंदर साइड से कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों कोनों पर चार नट बोल्ट को कस करके अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो हमने इसके सभी नट बोल्ट को कस करके अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है और इसमें हमारा फैन एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। और अब गाइस हमने जो इसमें जाली के लिए कटिंग की है इसके लिए हमें जाली कट करना है। तो पहले हम इसकी साइज को नाप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई है करीब 6.5 इंच, तो इसे थोड़ा एक्स्ट्रा नापना है तो इसे हम 7 इंच का मान लेते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच, तो इसे हम बढ़ा करके 9 इंच मान लेते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइप की एल्यूमिनियम की जाली ली है। आप इसकी जगह पर लोहे की जाली ले सकते हो क्योंकि जो एल्यूमिनियम की जाली होती है थोड़ी महंगी मिलती है और जो लोहे की जाली होती है वो थोड़ी सस्ती मिलती है। तो इसमें हम 7x9 इंच पर मार्क कर लेते हैं और फिर इसे हम कटर की मदद से फटाफट से कट कर लेते हैं। तो हमने इस जाली को अच्छे तरीके से कट कर लिया है और इसी तरीके से हमने 5 पीस और कट कर लिए हैं, यानी कि हमने टोटल 6 पीस कट किए हैं। तो सबसे पहले हम एक पीस को लेंगे और फिर हम लेंगे कूलर की घास को। ये आपको मार्केट में 5-10 रुपए में काफ़ी सारी मिल जाएगी। और इस घास को जाली के ऊपर कुछ इस तरीके से पतला पतला करके बिछा देना है, ज़्यादा मोटा नहीं बिछाना है। तो हमने घास को एकदम पतला पतला करके अच्छे तरीके से बिछा दिया है और अब हम जाली का दूसरा वाला पीस लेंगे और इसे हम इसके ऊपर साइड कुछ इस तरीके से रखेंगे। और अब इसमें हम 3-4 जगह पर तार को बांध देंगे ताकि घास अपनी जगह अच्छे तरीके से फिक्स बनी रहे। तो गाइस हमने इसमें 4-5 जगह पर तार को बांध दिया है और जितनी घास जाली से बाहर साइड निकली थी उसे हमने कैंची की मदद से कट कर दिया है। और इसी प्रकार से हमने 2 जाली और बनाकर तैयार कर ली हैं। और अब इन जालियों को क्या करना है कि अपनी टीन के अंदर साइड से कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। और इसके नीचे और ऊपर साइड पर हमने 2 होल किए हैं, तो हम इसमें नट बोल्ट को कस करके जाली को अच्छे तरीके से फिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर और नीचे साइड पर नट बोल्ट को कस करके जाली को अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। और इसी प्रकार से हमने 3 जालियों को इसके 3 साइड पर अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। और अब गाइस हमें क्या करना है कि इन 3 जालियों में हमें पानी गिराना होगा ताकि हमारी जाली अच्छे तरीके से भीग सके। तो इसके लिए हमने एक 12 वोल्ट का वाटर पंप लिया है और इस वाटर पंप को हमने खुद से बनाया है। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा करके इसका वीडियो देख सकते हो। और इसके बाद हमने एक वाटर लेवल वाली पाइप को लिया है और इस पाइप के एक सिरे को हम वाटर पंप के आउटपुट वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। और अब इस वाटर पंप को क्या करना है कि अपनी कूलर की टंकी में एकदम सीधा खड़ा कर देना है और इसकी जो पाइप है इसे 3 जालियों के ऊपर कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने से पहले इसमें हमें काफ़ी सारे होल करना होगा ताकि बूंद बूंद करके पानी हमारी जाली में गिरता रहे। तो हम इसमें सोल्डर आयरन की मदद से फटाफट से होल कर लेते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं और इसके एंड सिरे में हमने ग्लू गन की मदद से ग्लू भर करके इसे पैक कर दिया है।
और अब इस वाटर पंप को वापस से अपने कूलर की टंकी में कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। और इसका जो पाइप है इसे हम तीनों जालियों के ऊपर कुछ इस तरीके से फिक्स करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके जो होल हैं वो नीचे की साइड रहने चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने पाइप को तीनों जालियों के ऊपर फिक्स कर दिया है और इसे हमने तार की मदद से बांध दिया है। और इसका जो वाटर पंप है इसे हमने टंकी से थोड़ा ऊपर उठा करके फिक्स करके चिपका दिया है। और इसके आगे साइड पर हमने दो ऑनर स्विच और एक फीमेल सॉकेट के लिए कटिंग कर ली है। तो अब हमने दो स्विच लिए हैं और इन दोनों को हम इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने एक 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट लिया है और इसे हम इस होल में फिक्स कर देंगे। तो चलो गाइस अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने दो वायर लिए हैं और इन दोनों वायर को हम इस मोटर के दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। और इसके एक वायर को हम दोनों स्विच के किसी भी एक लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और इसका जो दूसरा वाला वायर है इसे हम फीमेल सॉकेट की एक लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब जो हमारे वाटर पंप के वायर हैं इनमें से हम किसी भी एक वायर को दूसरे वाले स्विच की एक लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और इसका जो दूसरा वाला वायर है इसे हम फीमेल सॉकेट की उस लेग से सोल्डरिंग करेंगे जिससे कि हमने फैन वाली मोटर के वायर को सोल्डरिंग किया था। और अब हम एक वायर लेंगे और इस वायर को हम दोनों स्विच की दूसरी वाली लेगों से सोल्डरिंग करके फीमेल सॉकेट की भी दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छे तरीके से कर लिया है। और अब गाइस हमें इसके आगे साइड के लिए जाली बनाना होगा ताकि इसमें कोई भी उंगली ना डाल सके। तो इसके लिए हमने चद्दर से कुछ इस टाइप के दो पीस कट किए हैं। इनमें हमने थोड़ा थोड़ा गैप दे करके काफी सारे होल कर लिए हैं और इन दोनों को इसके दोनों साइड पर कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। और इसके बाद हमने चद्दर से दो और कुछ इस टाइप की पीस कट किए हैं और इन दोनों को इसके ऊपर और नीचे साइड पर फिक्स करना है। तो इन्हें फिक्स करने के लिए हमें इसमें सोल्डरिंग करना होगा। तो फटाफट से हम इसमें सोल्डरिंग करके इन्हें फिक्स कर लेते हैं। गाइस हमने चारों पत्तियों को इसके चारों साइड पर फिक्स करके इनमें सोल्डरिंग कर दिया है। और इसके बाद हमने एक तार को सीधा करके उससे 10 से 12 टुकड़े कट कर लिए हैं और इन तार के टुकड़ों को इन पत्तियों के होल में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इनमें भी हमें सोल्डरिंग कर देना है। तो हमने सभी तार को सोल्डरिंग करके फिक्स कर लिया है। और अब गाइस इसे ऊपर साइड से कवर करने के लिए हमने एक टीन का नीचे वाला हिस्सा कट कर लिया है और इसे हम अपने कूलर के ऊपर साइड कुछ इस तरीके से कवर करके फिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हो कि हमारा कूलर बनकर तैयार हो चुका है और हमारा कूलर काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि हमारा कूलर और भी अच्छा लगने लगे। गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर लिया है और अब हमारा कूलर कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसके ढक्कन को खोल करके इसमें पानी को भर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर पानी को भर लिया है। तो चलिए अब हम इसके ढक्कन को वापस से लगा देते हैं। गाइस हमारा ये कूलर 12 वोल्ट पर वर्क करता है। तो इसके लिए हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है। आप इसे 12 वोल्ट चार्जर या फिर 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से भी चला सकते हो। और इसका जो मेल सॉकेट है इसे अपने कूलर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम इसके फैन को ऑन करते हैं। आप देख सकते हो कि इसका फैन चालू हो चुका है और अब हम इसके वाटर पंप को भी ऑन करते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि हमारा कूलर एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और आप देख सकते हो कि इसकी तीनों तरफ की जाली एकदम अच्छे तरीके से भीग रही हैं और अब हमारा कूलर एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड हवा देने लगा है। और गाइस आप पेपर को उड़ता हुआ देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा कूलर है कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आप भी ऐसा ही अपने घर पर कूलर बनाइए और गर्मियों में भी ठंडक का मजा लीजिए। तो गाइस आपको हमारा ये कूलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।